खबर पवई से है, जहां पर जेल से निकलने के बाद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया मां कलेही के दरबार में माथा टेकने पहुंचे और माता कलेही के मंदिर में माथा टेका। इस दौरान प्रशासन के निर्देश अनुसार जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन फिर भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मां कलेही के दरबार में माथा टेका और तहसील प्रांगण में जाकर सभी वकीलों से मिले और उनका आभार जताया। जिंदगी में 9 बार जेल हो आया, मुझे 9वीं बार था। 8 बार पहले गया, सन 71 से मैं आंदोलन कर रहा हूँ। इनके पिताजी सुखलाल हमारे साथी, वो भी आम छोटे गरीब आदमी, दलित वंचित पिछड़ा आदिवासी हरिजन इस वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए लड़ने वाले आदमी, वही विचारधारा हमारी थी। तो वो तो महात्मा गांधी शोध संस्थान है, जेल जो है, तो जेल में हर सबसे बड़ी जो समस्या है देश की जाति व्यवस्था। देश में 2500-3000 साल जो पराजय का मुख देखा वो जात के कारण देखा। बामन बनिया लाला ठाकुर हरिजन आदिवासी पिछड़ा वगैरह वगैरह 3000-6000 जातियों बटा, वहाँ सारा एक थाली में खाना खा रहा। हिंदू हो, मुसलमान हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, मैं वहाँ लगातार अध्ययन करता रहा। और आपके तहत इस विधानसभा क्षेत्र के 80